उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कपूरपुर थाना इलाके के ग्राम छज्जूपुर में दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है, जहां ग्राम छज्जूपुर में सचिन नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद बाइक सवार तीन बदमाश बड़ी आसानी से घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। दरअसल सचिन सुबह तड़के अपने घर से घर के लिए आ रहा था, तभी बाइक सवार तीन युवकों ने सचिन को रास्ते में रोककर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें सचिन तीन गोली लगने से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। गोली की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना देने के बाद घायल सचिन को आनन फानन में उपचार के लिए हापुड़ के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सचिन को देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं दिन दहाड़े हुई इस हत्या से ग्रामीणों में डर का माहौल है। अभी तक सचिन की हत्या क्यों हुई इसका कोई पता नहीं चल पाया है और ना ही अभी तक हमलावरों की कोई पहचान हुई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और इस हत्याकांड के मामले की जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। नहीं, फैल गई थी तो हमें पता चला था, हमने सोची किसी का ट्रांसफरिंग हुआ है या किसी का कुछ मतलब हो गया है, हमें पता नहीं था कि पड़ोस का लड़का आया था और हमारे छोटे वाले भाई साहब को लेके गई थी साथ में, और ले जाने के बाद वहाँ पर पता चली थी उनको, तो उन्होंने अपने भैया को आवाज़ लगाई थी बड़े वाले को, तो तब गए थे हम यहाँ से। तो तब आपको गए थे तो कैसा माहौल लगा था वहाँ पर आप जब पहुँचे थे? नहीं, यहाँ पर तो काफ़ी थे इंसान, लोग सभी थे, जेंट्स भी थी, लेडीज भी थी, सभी थी वहाँ पर। आज प्रातः 4 से 4:30 बजे के मध्य सचिन निवासी ग्राम सज्जूपुर थाना कपूरपुर अपने घेर से घर की तरफ आ रहे थे, तभी तीन अज्ञात बदमाशों द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। परिजनों द्वारा तत्काल उन्हें देवनंदिनी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल का वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है।